लद्दाख में एलएसी से बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि चीनी सेना ने चोरी छिपे तरीके से एलएसी से महज कुछ ही घंटों की दूरी पर बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर लिए हैं। यही नहीं, चीन ने बंकर का निर्माण भी कर लिया है। चोरी छिपे चीन की इस हरकत का भंडाफोड़ अमेरिकी सैटेलाइट की तस्वीर के द्वारा हुआ है। इन तस्वीरों में चीन की हरकतों के बारे में और क्या क्या पता चला है, आज मैं यही बताने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर रही है। दरअसल यूएस फर्म ब्लैक स्काई ने इसकी सैटेलाइट फोटो जारी की है। ब्लैक स्काई का दावा है कि इन तस्वीरों में चीनी सेना के सैनिकों के बंकर दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये बंकर 2021-22 के दौरान बनाए गए हैं। इनमें ईंधन और हथियारों को छिपाया गया है। यही नहीं, बंकर के नजदीक बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग झील के पास सिर जैप में चीनी सैनिकों का बेस भी है, साथ ही यहां चीनी सैनिकों का हेडक्वार्टर भी बनाया गया है। और जिस जगह ये निर्माण किया गया है उस जगह को भारत अपना बताता है, इस पर भारत का दावा है। ये जगह एलएसी से महज 5 किलोमीटर दूर है। बता दें कि 5 मई 2020 को चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। उस वक्त ये पूरा इलाका खाली था, यहाँ ना कोई गाड़ी थी और ना ही कोई चौकी थी और ना ही कोई बंकर था। चीनी सेना ने इसके बाद इलाके में धीरे धीरे अपनी गतिविधियां बढ़ाई और इस पर अब कब्जा कर लिया। ब्लैक स्काई ने जो तस्वीर ली है वो 30 मई 2024 की, यानी हाल ही की है। और इस फोटो में एक बंकर साफ तौर पर दिख रहा है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बंकर में 5 दरवाजे हैं। बंकर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हवाई हमले होने पर इसको कोई नुकसान ना हो। ब्लैक स्काई के एक एक्सपर्ट ने नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया कि इस बेस में कई बख्तरबंद गाड़ियों को छिपाया जा सकता है। बंकर के पास ही टेस्टिंग रेंज भी बनाई गई है, वहीं ईंधन और गोला बारूद को इकट्ठा करने के लिए भी जगह है। और तो और, चीनी सेना ने इस बंकर तक पहुंचने के लिए सड़कों और खाइयों का एक नेटवर्क तैयार कर लिया है। बता दें कि इस साल मई में चीन ने उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम के नज़दीक तिब्बत में शिगात्सो एयरबेस पर हाईटेक J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया था। 27 मई को जारी हुई सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा भी हुआ था। ये इलाका भारत के पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी महज कुछ ही घंटों की दूरी पर है। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में नए खुलासे पर अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे अब तक लाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।